इकौना ब्लॉक परिसर में सुबह सवेरे कराया जा रहा योग प्रशिक्षण 15 दिनों तक कार्यक्रम का है आयोजन। इकौना इलाके के ब्लॉक परिसर की ये तस्वीरें, जहां पर सुबह सवेरे 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 घंटे तक योगाभ्यास कराया जा रहा है, जहां पर भारी संख्या में युवा युवतियाँ और महिलाएँ पहुँचकर योगाभ्यास का प्रशिक्षण ले रहे हैं। यहाँ पर आए प्रशिक्षक ने बताया कि 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। इनका प्रशिक्षण है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योग संस्थान से हम आए हुए हैं। यहाँ निःशुल्क 15 दिन का प्रशिक्षण कराया जा रहा है बच्चों को, और 15 दिन का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इन बच्चों का चयन किस प्रकार हुआ? अनुभव प्रमाण पत्र के लिए विद्यालय में नियुक्ति की होगी, अनुभव प्रमाण पत्र के लिए, जिससे 15 दिन का अनुभव लेने के बाद ये विद्यालय में कार्यरत रहेंगे। हफ्ते में एक दिन 15 मिनट के लिए योग सिखाएंगे। उसका ना तो संस्था पैसा देगी ना कोई सरकार, क्योंकि एक बार अनुभव उनके पास एक सरकारी विद्यालय से रहेगा, जिससे आने वाले वो पूर्ण अध्यापक बन सकेंगे। इससे पहले लोगों ने कोई ट्रेनिंग वगैरह कर रखी है कि क्यों योग से कर रहे हैं? नहीं नहीं, योग से कर रहे हैं, कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं। कब से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा? 1 तारीख से लेकर 15-20 तारीख तक चलेगा, क्योंकि इसमें बीच में हमें मीटिंग में जाना रहता है या कोई काम पड़ गया, अचानक जाना पड़ेगा, तभी बंद करना पड़ता है। इसमें कोई और आ सकता है? कोई अपील करेंगे कोरोना के लिए? जी, कोई और आ सकता है? हाँ, जैसे आप भी, जैसे जो भी बीमार हैं वो भी आके सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं। थैंक यू। बीती रात नवरात्र के प्रथम दिन कटरा दुर्गा पूजा मंदिर पर पहुँचे पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा की पूजा अर्चना। श्रावस्ती जनपद के मॉडर्न थाना श्रावस्ती के कटरा बाजार का मामला, जहां पर JMD नवयुवक दुर्गा पूजन समारोह में पहुंचकर निवर्तमान सांसद दद्दन मिश्रा ने पूजा पाठ की। इस दौरान राजेश कुमार पांडे, सुनील कुमार गुप्ता, विनय कुमार यादव, रविन्द्र यादव, टिंकू पाठक, प्रसन्नजीत समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इकौना इलाके के चिरैंधापुर में पूजा पाठ के साथ साथ रामलीला कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन। शुरू हुई रामलीला। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के चिरैंधापुर की ये तस्वीरें, जहां पर मंदिर पर माता दुर्गा की पूजा पाठ के साथ साथ बगल में ही पंडाल लगाकर दुर्गा माता की पूजा पाठ के साथ साथ रामलीला कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसकी तैयारियां कई दिनों से की जा रही थी। आखिरकार यहाँ पर बीती रात से रामलीला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए भारी तादाद में लोगों का यहाँ पर जमावड़ा दिखाई पड़ा। इकौना इलाके के चिरैंधापुर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर देर शाम रामलीला के कलाकार तैयारियों में जुटे नजर आए। शांति भंग के आरोप में इकौना पुलिस ने अंधरपुरवा निवासी 3 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे के अंधरपुरवा में शांति भंग के आरोप में अजय कुमार, संजय कुमार और ब्रजेश कुमार को इकौना पुलिस ने गिरफ्तार किया। लूडो खेलने के विवाद में दोनों पक्षों में शांति भंग की आशंका हुई थी, जिस पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। इकौना थाना अध्यक्ष ने सभी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की मीटिंग कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आगामी त्योहारों को लेकर इकौना थाना अध्यक्ष ने इकौना थाना परिसर में सभी उपनिरीक्षक, कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल आदि को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आगामी त्यौहार दशहरा, नवरात्र व बारावफात के संबंध में आदेश देते हुए उनको निर्देश तथा आदेश दिया और किस प्रकार से कार्य करना है इसके बारे में विधिवत समझाया। इंस्पेक्टर पुरवा में पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीण की डेंगू जांच की। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के इंस्पेक्टर पुरवा का मामला, जहां पर इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और यहां पर ग्रामीणों के डेंगू जांच किए गए। सभी के सैंपल लेकर डेंगू जांच की गई। इकौना इलाके के इंस्पेक्टर पुरवा की यह तस्वीर है, जहां पर पहुंचकर स्वास्थ्य कर्मियों ने डेंगू जांच की। इकौना इलाके के इंस्पेक्टर पुरवा गाँव का मामला। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना के सभा कक्ष में कुष्ठ रोग को लेकर आशा व उनके पतियों को दिया जा रहा 1 दिवसीय प्रशिक्षण। श्रावस्ती जनपद के इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें, जहां पर ट्रेनर डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, वरुण शुक्ला, सच्चिदानंद त्रिपाठी मिलकर आशा बहुओं व आशा पतियों को कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जहां पर इनको एक स्लिप और रजिस्टर दिया जा रहा है कि ये गाँव में जाकर
अपने अपने क्षेत्रों में जहां उनकी ड्यूटी लगाई गई है वहां पहुंचकर कुष्ठ रोगियों की किस प्रकार से पहचान करेंगे और जो मिलता है उन्हें किस प्रकार से स्लिप देकर नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजेंगे जिससे उनका उपचार किया जा सके। आपको बता दें कुष्ठ रोग को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसको लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन इकोना CSC में किया जा रहा है। नवरात्र को लेकर इकोना कस्बे में हो रही मूर्तियों की आवाजाही इकोना कस्बे का मामला। इकोना कस्बे में मूर्तिकार योगेंद्र पटवा के यहाँ पर भारी संख्या में मूर्तियों को खरीदने के लिए लोग दूर दूर से पहुँच रहे हैं जो मूर्ति को ले जाकर अपने अपने इलाकों में स्थापित कर रहे हैं। इकोना इलाके के साई मंदिर के पास की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर मूर्तिकार योगेंद्र पटवा के घर पर भारी तादाद में खरीदारों की भीड़ जमा है। इकोना इलाके के भोजपुर में किसान की खेत में हुई मौत का मामला हत्या में बदला, उसके मृतक के भाई ने पुलिस को दी तहरीर। थाना क्षेत्र इकोना इलाके के भोजपुर गांव का यह पूरा मामला जहां पर दो दिन पूर्व किशोरी लाल मौर्य पुत्र गंगाराम मौर्य अपने खेत की रखवाली करने गया हुआ था जहां पर मचान पर सोते समय उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद सुबह सवेरे उनका खून से लथपथ शव मिला था। ऐसे में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम में हत्या के प्रमाण मिलने के बाद उसके भाई राजकुमार मौर्य ने इकोना पुलिस को देकर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी। इकोना इलाके के भोजपुर गांव का यह पूरा मामला है जहां पर एक किसान की खून से लथपथ लाश खेत में मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने उसका PM कराया था। PM के बाद उसके भाई राजकुमार मौर्य ने पुलिस को तहरीर देकर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। इकोना डायट के पास रहने वाली महिला मृत बकरी को लेकर पहुंची इकोना थाने, एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए पुलिस को दी तहरीर। थाना से इकोना इलाके के डायट के पास रहने वाली रीता देवी पत्नी सत्यनारायण मृत बकरी को लेकर थाने पर पहुंची, जहां पर उसने बताया कि बकरी घर के सामने बंधी हुई थी। तभी विपक्षी डॉक्टर गंगाराम पुत्र अज्ञात ने लापरवाही से घोड़ियों को मारने के लिए दौड़ाने लगा, जिससे घोड़ियां बिचक कर गईं और बकरी के पेट पर पैर रख दिया, जिससे बकरी की मौत हो गई। कहाँ घर है? कैसे मरी है? घोड़ी चढ़ाने खेत में खात रहे तो उनका बाजारी लगाना चाहिए, जो हमारे घर के लगे पहुंचे तो दौड़ा ही दिन घोड़ी उनके दोबारे बैठे ना। खसी हुए छगड़ी का कितने का होगा? 6,000 रुपए पाव देना है जी। कौन से कहा आपने तो क्या कहे हो? हम पूछना है कहना क्या कि चलो दवा कराए देवे अपने रिपोर्ट करे ना जाओ हमको रिपोर्ट के जब हम दवा ना करें। मरा है ना? मर गया है? हां मर गया। इकोना के बाजार में लगा भीषण जाम, लोग घंटों हुए परेशान। इकोना इलाके के चौक बाजार की ये तस्वीरें जहां पर भीषण जाम लग जाने के चलते लोग परेशान हुए। आपको बता दें इस समय नवरात्र की धूम चल रही है जिसको लेकर इकोना कस्बे में भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर इकोना बेचू बाबा चौक से लेकर सिनेमा हॉल तिराहे तक भीषण जाम लग गया, जिसमें घंटों परेशान होकर लोग रह गए। इकोना इलाके के कस्बे की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर बेचू बाबा चौक से लेकर संजय पार्क तक जाम लगा रहा और लोग घंटों परेशान हुए। इकोना के सीता द्वार मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का किया गया आयोजन, अधिकारियों समेत ग्राम प्रधान रहे मौजूद। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के सीता द्वार मंदिर परिसर की ये तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न अधिकारियों समेत लोग मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में यहाँ पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 20 वर वधुओं ने एक दूसरे का हाथ थामा। इकोना इलाके के सीता द्वार मंदिर परिसर की ये तस्वीरें हैं जहां पर 20 वर वधु एक दूसरे के हुए और उन्होंने जीवन पर्यंत साथ रहने की कस्में खाई। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के सीता द्वार का मामला। शमगढ़ा निवासी एक व्यक्ति ने इकोना थाना समेत उप जिलाधिकारी से की शिकायत। थाना क्षेत्र इकोना इलाके के शमगढ़ा निवासी एक व्यक्ति ने इकोना थाने में पहुंचकर बताया कि उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया, पुलिस की मदद से अवैध कब्जा किया गया, जिसकी शिकायत उसने इकोना थाने में पहुंचकर थाना अध्यक्ष व उप जिला अधिकारी इकोना से की। थाना क्षेत्र इकोना इलाके के शमगढ़ा गाँव का यह पूरा मामला जहाँ के निवासी व्यक्ति ने शिकायत की। कहाँ घर है? शमगढ़ा। क्या हुआ था?
हमारी हद बराबरी फाइनल हो गई थी सर, और ये लखनऊ हमारा गोंडा मुकदमा चल रहा था, ये लखनऊ गए थे, लखनऊ से कोई ऑर्डर लाए हैं, जबकि गोंडा मेरा मुकदमा चल रहा था, ये लखनऊ से कोई ऑर्डर लाए, सिपाही लोग यहाँ से गए, दो लोग अमरजीत यादव और मेरी मेड़ शुरुआत करके 229 का ये ऑर्डर लाए, और 227 मेरी मेड़ बनी थी, 227 मेरा चेक था, मेड़ शुरुआत करके जुतवा दिया गया रात में। कब्जा आपका था पहले से ना? मेरा कब्जा था, उसी को कब्जा करवा दिया है। हाँ, उसको कब्जा करवा दिया मेरी मेड़ शुरुआत करके। तो कहाँ कहाँ शिकायत कर रहे हैं आप जी? कहाँ शिकायत कर रहे हैं? अब यहाँ कर रहे हैं, उसके बाद SDM साहब को हमने किया है रात में, यहाँ किया है, अब हम जा रहे हैं कप्तान साहब के यहाँ।